आज मैं बात करने जा रहा हूँ एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके पास जो कार्ड है उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसमें डिफरेंस क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमित, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल अमित पांडे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एटीएम कार्ड की बात करने जा रहा हूँ। एटीएम कार्ड क्या होता है? जो मशीन होती है उससे आप पैसे निकाल सकते हैं। वो कार्ड दिखने में डेबिट कार्ड की तरह ही होता है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का वीज़ा, मास्टर कार्ड, एमएक्स ऐसे किसी भी लोगों का उपयोग किया नहीं होता है। मीन्स कि एटीएम कार्ड जो होता है उसका एक ही पर्पज़ होता है, सिर्फ आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं जितना आपके बैंक अकाउंट में है। मैं यहाँ पे बात करने जाऊँ तो डेबिट कार्ड की, डेबिट कार्ड जो होता है वो एटीएम कार्ड जैसा ही दिखता है, लेकिन वहाँ पर वीज़ा, मास्टर कार्ड, एमएक्स ऐसे अलग अलग जो पेमेंट गेटवे हैं उनका सिंबल होता है। उसका मतलब होता है कि आप अपने एटीएम से पैसे तो निकाल सकते हैं, उसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग में और पीओएस मशीन में, जैसे कि दुकानों पे या आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो उसके अंदर भी वो कार्ड का उपयोग करके जितना आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं उन पैसों का उपयोग आप ऑनलाइन शॉपिंग में और पीओएस मशीन की शॉपिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड जो होता है वो एटीएम कार्ड जैसा ही दिखता है, बस डिफरेंस ये है कि उसमें पैसे निकालने के अलावा शॉपिंग की भी फैसिलिटी दी होती है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एटीएम कार्ड था वो बहुत पहले चलता था, अब एटीएम कार्ड इशू नहीं होते हैं, डेबिट कार्ड ही इशू होते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल ट्रांजेक्शन का ज़माना है और बहुत से लोग अपना एटीएम का या डेबिट कार्ड बोलें तो डेबिट कार्ड का उपयोग शॉपिंग के लिए करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट के लिए करते हैं, अपने पेमेंट या यूटिलिटी बिल भरने के लिए करते हैं। तो आजकल जो आता है वो डेबिट कार्ड ही आता है, एटीएम कार्ड इशू ज़्यादातर नहीं होते हैं। पॉइंट जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड बैंक अकाउंट की ऊपर निर्भर नहीं होता है या डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड की तरह उपयोग नहीं होता है, उसका जो काम है वो बिल्कुल ही अलग है। जैसे कि अगर आप एलिजिबल हैं या आपकी जो क्रेडिट है, हिस्ट्री है, या बैंक आपको एलिजिबल समझती है कि आप क्रेडिट कार्ड के लायक हैं, या जो बैंक में आपका खाता नहीं है या अकाउंट नहीं है वो बैंक भी आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है, तो उसका एक अलग क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी देखने का। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देती है। क्रेडिट कार्ड जो है उसमें एक लिमिट आती है निश्चित, जैसे कि 50,000, 1,00,000, 80,000, जिस तरीके की एलिजिबिलिटी आपके ऊपर फिट बैठती होगी उस तरीके का क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है, तो उसमें एक लिमिट आती है। क्रेडिट कार्ड की फिलोसफी है कि आपको 50 दिन का समय दिया जाता है, कोई भी उपयोग जो भी आप परचेस में, शॉपिंग में या कोई चीज़ ख़रीदने में करते हैं तो आपको 50 दिन का समय मिलता है। 50 दिन के बाद आपके यहाँ पे एक बिल आता है या आपके मेल आईडी पे एक बिल आता है और आपने 50 दिनों के अंदर जो भी खर्चे किए हैं उसको आपको पे करना होता है। तो इसमें सिंपल थियरी है, आपकी एलिजिबिलिटी अगर है तो आपको एक क्रेडिट कार्ड मिलता है, उसकी एक लिमिट होती है और उसमें 45 से लेके 50 दिन की आपको क्रेडिट मिलती है। मींस कि आप उधार पे, वन टाइप ऑफ उधार पे पैसे यूज़ कर रहे हैं, आपके कार्ड में 50,000 की लिमिट है तो आप 50,000 यूज़ कर रहे हैं, आपको 50 दिन तक उस पर कोई चार्ज नहीं देना है और 50 दिन के बाद आप वो पैसे भर सकते हैं और वो पैसे भरने के बाद फिर से आपको 50,000 की लिमिट मिल जाती है। तो क्रेडिट कार्ड की जो है वो डेबिट और एटीएम कार्ड से अलग है, क्योंकि डेबिट और एटीएम कार्ड में अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो ही यूज़ कर सकते हैं, पर क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं है। एक बार अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है आप उसको आसानी से कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इन शॉर्ट तीनों के बारे में बात करूँ तो प्रचलन में ज़्यादा क्रेडिट कार्ड उपयोगी है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में हमें 50 दिन की लिमिट भी मिलती है और उसमें जो पैसे हम यूज़ करते हैं उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगता है। और जो आज डिजिटल वर्ल्ड है उसमें बहुत सी वेबसाइट्स या बहुत से ऐसे यूटिलिटी चीज़ें हैं जिसमें क्रेडिट कार्ड ही वो लोग लेते हैं, बहुत से एयरलाइंस हैं जिसमें आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो मेरा सजेशन होगा कि आप एक क्रेडिट कार्ड भी रख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। और दोस्तों, मैं खास करके बात बताना चाहूँ तो क्रेडिट कार्ड के बारे में बहुत सी अफवाह फैलाई गई है, बहुत सी अफवाहें मैं भी सुनता हूँ। जब मैंने फर्स्ट क्रेडिट कार्ड लिया था तो उसमें मुझे बहुत से लोगों ने भड़काया था कि क्रेडिट कार्ड में पैसे कट जाते हैं, क्रेडिट कार्ड ख़राब होता है, और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड में टैक्स लगता है। तो मैं आपको बताना चाहूँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ एक कम जानकारी का है
उनको कम जानकारी है क्रेडिट कार्ड के बारे में, क्रेडिट कार्ड में ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। तो अगर आप लापरवाह नहीं हैं, अगर आप टाइम पे कोई चीज़ लेकर उसके पैसे भरते हैं, अगर आप बिल का ध्यान रखते हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड के लिए भी जा सकते हैं। मैं डिटेल में इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा कि क्रेडिट कार्ड किस तरीके से काम करता है। तो इस वीडियो में मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है कि डेबिट कार्ड, एटीएम और क्रेडिट कार्ड तीनों में डिफरेंस क्या है और तीनों किस तरीके से काम करते हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और प्लीज़ दूसरों को भी बताइए। इस तरह के वीडियो मैं लाते ही रहता हूँ और आपकी हेल्प करने की कोशिश करते रहूँगा। और सब ठीक बा।